जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक वर्ग दो वालों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही। चयनित 30,000 शिक्षकों की जल्द होगी सरकारी पदों पर नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रदेश के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही रास्ता साफ होने जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आयोजन के दौरान चयनित शिक्षकों को लेकर वादा करते हुए कहा कि मामा जल्द ही नियुक्ति देंगे, भरोसा रखिए। इस संबंध में प्रदेश के एक चयनित शिक्षक प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि सीएम शिवराज द्वारा इस तरह का वादा करना खुशी की तो बात तो है, लेकिन जब तक पोर्टल अपडेट नहीं होता है और वेरिफिकेशन चालू नहीं होता है तब तक खुशी मनाना जल्दी होगा। ऐसे में जब तक व्यवस्था शुरू नहीं होती है तब तक हम सरकार से अपील करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक अन्य शिक्षक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि ये मुख्यमंत्री द्वारा मिला संकेत है जिसे रात की उम्मीद तो जागी है। इससे पहले शिक्षा मंत्री भी प्रदेश के 30,000 से अधिक चयनित शिक्षकों के संबंध में आश्वासन देते हुए कह चुके हैं कि नए सत्र में नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि सरकार ये और स्पष्ट कर दे कि नया सत्र सरकार के मुताबिक कौन से माह से शुरू होगा, मार्च, अप्रैल, मई या जून, ताकि हमें इस बात की पूरी तरह से संतुष्टि हो सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।